हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डिटरमिनेंट्स, राइट। और आप समझ गए होंगे कि डिटरमिनेंट्स के साथ जो है आपको अब हम एलजेब्रा की तरफ मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट हम एलजेब्रा में आ ही चुके हैं। और एलजेब्रा चूंकि बहुत ईजी है, क्लास ट्वेल्थ के हिसाब से अगर आप देखें तो जो एलजेब्रा का पार्ट है वो बहुत आसान है और उसका वेटेज लेकिन फिर भी 12 नंबर का है। ठीक, तो 12 नंबर के हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। तो आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे आप, और बहुत आसान है। तो फिर ये समझिए कि आप पूरे 12 में से 12 आप स्कोर कर सकते हैं इजीली, राइट। तो चलिए, डिटरमिनेंट आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम क्लियरली समझेंगे कि डिटरमिनेंट बेसिकली होते क्या हैं और ये हमको बताते क्या। अच्छा, तो देखिए, जब भी मैं डिटरमिनेंट बोलूंगा तो उससे आपको समझना चाहिए कि डिटरमिनेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो डिटरमिनेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, या यूं कहें कि डिटरमिनेंट की बेसिकली अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। हाँ, और वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसको भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल तो बस डिटरमिनेंट के लिए आप यूँ समझिए कि एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है तो आपके दिमाग में ये आएगा बेसिकली कि ये प्रोडक्ट है तो फिर हम इसे क्यों डिफाइन ही करते हैं, जब एक खास तरह का प्रोडक्ट है तो सीधे प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, इसके यूजेस क्या हैं। तो देखिए, आप समझिएगा, शुरू शुरू में जब आपने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया होगा तो फिर आपको सिर्फ एडिशन पढ़ाया जाता था। ठीक, तो आपको सिर्फ एडिशन पढ़ाया जाता था तो वहाँ पर आपको सिर्फ ऐड करना सिखाते थे कि ऐड कैसे करते हैं वो निकालिए। फिर आगे जैसे जैसे आए तो फिर आपको समझ में आया कि अच्छा, एडिशन के एक्चुअल यूजेस क्या क्या हैं। वो बेसिकली अलग अलग कैलकुलेशंस में यूज होता है, उसको इस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका मतलब ये होता है, राइट। तो अभी भी जैसे डिटरमिनेंट ही एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, तो अभी बस आपको यानी कि ट्वेल्थ में आपको बस ये स्पेशल टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बस यही सिखाया जाएगा। इसके असली एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ पे पड़ता है। इनफैक्ट यही चीज एप्लीकेबल होगी मैट्रिसेस में भी। मैट्रिसेस को भी आपको यूज से चलिए बहुत लिमिटेड उसके यूज बताएंगे, उसके असली यूज को तो डिस्कस ही नहीं करेंगे, बस हमको मैट्रिसेस को हैंडल करना सिखाया जाएगा इस बार। हाँ, उसका असली एप्लीकेशन क्या है वो हम 12th तक के सिलेबस में नहीं सीख पाएंगे। ठीक, तो उस तरीके से डिटरमिनेंट के एक्चुअल यूजेस क्या हैं वो हमें इस साल नहीं बताए जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट को हैंडल कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस यही डिस्कस करना है। ठीक, अच्छा, उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं जिन पर अभी हम लोग आगे आएंगे। अच्छा, तो बस आप यहाँ पे यूँ समझिए कि डिटरमिनेंट बेसिकली आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा कैलकुलेशन है जिसको आपको करना है, करना आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिए आपको क्या जानना जरूरी है। जब भी आप डिटरमिनेशन का एक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो वो आप कैसे बनाएंगे वो समझिए। इट इज लेट्स से कि हमारे पास A11 देन A12 और A13 देन A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये मैंने लिखा। ठीक, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ये दो ब्रैकेट्स को आप देखिए, ये जो आपके ब्रैकेट्स हैं ना यही डिटरमिनेंट के ब्रैकेट्स होते हैं, वर्टिकल ब्रैकेट्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक, तो वर्टिकल ब्रैकेट हमारे यूज होते हैं डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, और ये कहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये यूज होते हैं मॉडुलस ऑपरेटर में भी हम वर्टिकल ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। ठीक, तो आप बेसिकली यू बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट एक तरह का एब्सोल्यूट वैल्यू है। हाँ, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर क्या है, वो एक तरह की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो डिटरमिनेंट भी क्या है, हमारी एक तरह की एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू किस चीज की, बेसिकली मैट्रिसेस की एब्सोल्यूट वैल्यू है डिटरमिनेंट। ठीक, अच्छा, अभी आएंगे हम लोग उस पर, बहुत पूरा डिस्कशन करेंगे, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी बस आप समझ जाइए जो टर्म्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद आप देखिए, ये जो है जैसे मैं A11 बोला या A12 बोला, हाँ, तो इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए डिटरमिनेंट। ठीक, एलिमेंट ये सब एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट हो गए। हाँ, और ये बाहर वाले तो आपको पता है कि ये ब्रैकेट्स ऑफ डिटरमिनेंट है, तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, ये वर्टिकल जो वर्टिकल लाइंस हैं या जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल हैं इनको हम बोलते हैं रोज। ठीक, ये हमारे रोज हो गए और ये हमारे हो गए कॉलम्स रोज। ठीक, रो कॉलम समझ गए। अच्छा, उसी हिसाब से देखिए, आप सबसे पहली चीज आप डिटरमिनेंट में ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज
इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये सबसे पहली चीज आप समझ गए यहाँ पे कि डिटरमिनेंट्स हमेशा स्क्वायर होंगे, डिटरमिनेंट कभी रेक्टेंगुलर नहीं होंगे। रेक्टेंगुलर का मतलब कि रोज ज्यादा हो गई कॉलम से या कॉलम ज्यादा हो गए रोज से, ऐसा कभी नहीं होगा डिटरमिनेंट्स में। मैट्रिसेस नहीं बोला मैंने, मैंने बोला डिटरमिनेंट्स में। मैट्रिसेस में क्या होता है, कैसे होता है, वो भी हम लोग जाने के बाद में। डिटरमिनेंट्स हमारे हमेशा स्क्वायर होंगे, ठीक। और स्क्वायर होंगे तो हमको सिर्फ उनका एक ही एंट्री बताना जरूरी होगा। जैसे हमने 3 बता दिया तो हमको बताया उसके नंबर ऑफ रोज भी 3 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हो गए। तो जब भी हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, तो इसका ऑर्डर है 3 क्योंकि 3 रोज और 3 कॉलम, जिसमें 4 रोज और 4 कॉलम होंगे वो होंगे ऑर्डर 4 के, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे वो हमारे होंगे ऑर्डर 2 के। आप ध्यान देंगे कि आपके सिलेबस में सिर्फ ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 4 आपको नहीं डिस्कस करना है बिल्कुल भी। तो मैं जब भी एक्सपेंशन आपको सिखाऊंगा तो वो सिर्फ 2 और 3 के रिस्पेक्ट में समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके कॉलम्स हो गए, वर्टिकल वाले और हॉरिजॉन्टल वाले आपके रोज हो गए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। अच्छा, रो का अगर आप डेजिग्नेशन देंगे कैसे देंगे, तो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। तो जब भी हम R1 बोलेंगे तो मतलब वो ये वाली रो, R2 बोलेंगे तो ये वाली रो, R3 बोलेंगे तो ये वाली रो। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बोलता इसकी बात करता तो ये हमारा हो जाता C1, ये इतना, फिर ये इतना C2, फिर ये इतना C3, ठीक। तो R1, R2, R3, C1, C2, C3, आपको उम्मीद है कि ये रिप्रेजेंटेशन आपके क्लियर हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं इस पे, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये देखे 3-3 जो मैंने किया, ये यहाँ पे देखे 2-3 किया। तो ये है आपका एड्रेस, एड्रेस बोल सकते हैं आप इसको, एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, हाँ, या इसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं, इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक। तो ये एड्रेस या इंडेक्स बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जब भी हम बोलते हैं एड्रेस, तो एड्रेस क्या होता है, एड्रेस का मतलब होता है कि बेसिकली पता बताना कि कोई चीज कहाँ पे है। किसी का एड्रेस बता रहे हो तो आप क्या बता रहे हो, वो चीज कहाँ पे है। तो देखिए, ये भी तो इसका एड्रेस है, क्यों, क्योंकि अगर आप 2-3 को रिप्रेजेंट करें ध्यान से, तो 2 स्टैंड फॉर सेकेंड रो एंड 3 स्टैंड फॉर थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 2-3, अच्छा आप ये ध्यान देंगे कि इंडेक्स एंड एड्रेस दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। हाँ, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर हैं तो मतलब आपको पता है कि इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया। ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया मतलब क्या, कि पहले आप रो नंबर लिखेंगे उसके बाद आप इसका कॉलम नंबर लिखेंगे, हाँ, तो ये ध्यान देंगे। अच्छा, और अगर जनरल बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई जे से, आई स्टैंड फॉर रो नंबर, जे स्टैंड फॉर कॉलम नंबर। तो जब भी मैं ए आई जे लिखूंगा तो मैं एक जनरल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, वो पूरे डिटरमिनेंट पर कहीं भी हो सकता है, ठीक। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि एड्रेस एंड डिसेस आर देयर ऑर्डर्ड पेयर्स, आपको हमेशा पहले रो नंबर लिखना है उसके बाद आपको कॉलम नंबर लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप एड्रेस और इंडेक्स समझ गए तो फिर आपको हर एलिमेंट की पोलैरिटी समझनी होगी। हाँ, इस चीज को ध्यान समझिएगा, आपको हर एलिमेंट की अपनी पोलैरिटी समझनी होगी। तो आप पहले इतनी चीजों को कॉपी करिए, ये हमारा बहुत बेसिक्स है, इनको आप कॉपी करिए, मैं आगे चलता हूँ और आपको पोलैरिटी और कुछ और टर्म्स है जिनको समझाता हूँ, ठीक। अच्छा, और बेसिकली देखिए, जो मैं टर्म्स आपको बताऊंगा ना, पोलैरिटी हो गई या माइनर्स हो गए, अभी आगे जाकर समझेंगे कोफैक्टर्स हो गए, तो वो सारे हमारे इंपॉर्टेंट होंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए। तो आप इन टर्म्स को खूब अच्छे से समझेंगे जरूर। तो मैं बात करता हूँ पोलैरिटी। अच्छा, और इवन दो पोलैरिटी एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा वर्ड है जो मैंने खुद बनाया है, ये आपको कहीं ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वर्ड, ये टर्म देखने को। तो ये मैं यूज करता हूँ ताकि मुझे मेरा पढ़ाना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक। तो आप कोशिश करिएगा कि इस वर्ड को आप अपने किसी भी फॉर्मल उसमें, मतलब कि एग्जाम के आंसर में लिखने की जरूरत, मतलब यूज मत करिएगा, लेकिन आप पोलैरिटी मुझे लगता है कि एक ऐसा टर्म होना चाहिए जो कि डिटरमिनेंट के समझने बहुत आसान कर देता है डिटरमिनेंट को, ठीक है। तो इसलिए हम पोलैरिटी निकालते हैं। तो देखिए, पोलैरिटी ऑफ एनी एलिमेंट, मतलब ए आई जे, लेट से कि हमारे पास एक एलिमेंट है ए आई जे, और ए आई जे की हमको पोलैरिटी निकालनी है, तो पी मैं स्टैंड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो पोलैरिटी उसकी कैसे निकलेगी, देखिए, वो होगी -1 की पावर i+j, ठीक। हर एलिमेंट की जो पोलैरिटी होगी वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी -1 की पावर i+j। अच्छा, अब आप देखिए बहुत आराम से कंफ्यूज हो चुके हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से कि हमारे पास जो पहला एलिमेंट है उसकी पोलैरिटी निकालनी है, मतलब पोलैरिटी बताइए a11 की। तो a11 की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, -1। अच्छा, मैंने ऊपर लिखा i+j, तो i और j की जगह लिखूंगा मैं 1 और 1, तो -1 का स्क्वायर, तो यानी कि +1, ठीक है। +1 मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव साइन, हाँ, +1 मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन, -1 मतलब क्या है,
नेगेटिव साइन, तो यानी कि इसकी जो पोलैरिटी है वो प्लस है, प्लस साइन है, ठीक। तो आप समझ गए पहले एलिमेंट की जो पोलैरिटी है वो प्लस साइन है। फिर देखिए जो दूसरे एलिमेंट की पोलैरिटी है वो कैसी होगी, पोलैरिटी ऑफ ए वन टू, अगला एलिमेंट अगर आप रो वाइज चले तो पोलैरिटी ऑफ वन टू इज माइनस वन के पावर वन प्लस टू, वन प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन का क्यू और इट इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि माइनस वन की ऑड पावर इज नेगेटिव, माइनस वन की इवन पावर इज पॉजिटिव, तो इट इज माइनस वन, ठीक। तो इसकी पोलैरिटी हो गई नेगेटिव, यानी कि ये माइनस हो गया, इसका साइन जो हो गया वो माइनस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको हर एलिमेंट की तब इस तरह तो पूरी डिटेल निकाल के नहीं दिखाऊंगा, मैं बस उनके साइन दिखा देता हूँ। अगर एक थर्ड ऑर्डर का आप डिटरमिनेंट लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपके हर एलिमेंट की पोलैरिटी है। तो ये आपका पोलैरिटी चार्ट है, आप इसको बना सकते हैं अपना, ठीक। तो आप समझ गए कि ये हर एलिमेंट की पोलैरिटी हो गई। अच्छा, फिर मैं आपको एक और रिमाइंडर देता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ कि पोलैरिटी एक ऐसा टर्म है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये टर्म बेसिकली मैं यूज करता हूँ, सिर्फ मैं इसको इन्वेंट किया हुआ है, तो मैंने इसको इन्वेंट इसलिए किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को ईजी बता देगा। हाँ, बेसिकली मैं कहीं भी आपको किसी भी एलिमेंट की पोलैरिटी पूछूंगा तो मतलब मैं उसका साइन आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ, अभी आप देखेंगे कि कैसे ईजी बनाएगा। अच्छा, समझ गए आप कि हर एलिमेंट का उसके इंडेक्स के हिसाब से एक साइन होता है। अच्छा, फिर देखिए उसका साइन का मतलब नहीं कि यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो नेगेटिव ही एलिमेंट है, मतलब कि अब ये डिटरमिनेंट है लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट हो सकता है, या मैं यू को यहाँ पे माइनस थ्री कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस फाइव कर सकता हूँ। तो देखिए ये जो पोलैरिटी जो बताती है ये हमारी ये नहीं बताती कि यहाँ पे एक नेगेटिव एलिमेंट ही आएगा, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि ये एलिमेंट ये ए आई जे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो पोलैरिटी है वो प्लस माइनस में से कुछ होगी। पोलैरिटी का यूज कहाँ पड़ेगा अभी आप बहुत जल्दी ही जानने वाले हैं, ठीक है। तो आप समझेंगे कि पोलैरिटी का मतलब ये नहीं कि उस एलिमेंट का साइन, पोलैरिटी का मतलब क्या है कि उस पोजीशन पर रहने की वजह से उसको कौन सा साइन असाइन होगा, ठीक, समझे आपको। मैं फिर से बोलूँ एक बार, चलिए मैं फिर से बोलता हूँ, पोलैरिटी का मतलब ये है कि वहां पे जो भी एलिमेंट है उसका साइन नहीं बल्कि उस प्लेस पर रहने की वजह से उसको क्या साइन असाइन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ टू है तो टू की पोलैरिटी माइनस टू है, अब वो टू की पोलैरिटी माइनस है तो वो माइनस कहाँ यूज होगा वो आप अभी जानेंगे, ठीक। अच्छा, तो ये आपका पोलैरिटी का कंसेप्ट हो गया। हाँ, तो मुझे उम्मीद है आपने पूरा कॉपी कर लिया होगा, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो मैं उसके बाद जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा माइनर्स को। हाँ, अच्छा, तो पोलैरिटी तो मैंने आपसे बोला कि जो है ठीक है पोलैरिटी तो कुछ भी हो सकती है, और माइनस क्या होते हैं वो समझते हैं। तो माइनस को समझने के लिए मुझे पहले एक तो एक अपने से एक डिटरमिनेंट बनाना भी होगा, तो माइनर तो मैं एक एग्जांपल में कुछ बना लेता हूँ, लेट्स से माइनस 7 8 1 3 6 9 4 1 और 2, ठीक। और आपको अगर यहाँ पे बोले पूछा था कि आप लेट्स से माइनर बताइए 1 1 का, ठीक, 1 1 का माइनर बताना है, तो 1 1 का माइनर बताना है तो मतलब क्या हो गया माइनस 7, इसका माइनर बताना है आपको, ठीक है। इसका माइनर देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हाइड करेंगे इसका कॉलम, ये हाइड करेंगे इसका रो, और जो बच जाएगा ठीक है 6 9 1 और 2, तो बेसिकली माइनर का मतलब क्या होगा, माइनर एक सब डिटरमिनेंट हो गया, उस डिटरमिनेंट से निकला जो दूसरा डिटरमिनेंट निकला वो सब डिटरमिनेंट हो गया। तो माइनर अपने आप पे क्या है, माइनर इज अ सब डिटरमिनेंट, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इट इज अ सब डिटरमिनेंट, मतलब कि हमारे जैसे सेट के अंदर एक दूसरा सेट बनाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, हम सबसेट बोलते हैं ना, तो सर डिटरमिनेंट के अंदर का एक डिटरमिनेंट ले रहे हैं जिसको सब डिटरमिनेंट बोलते हैं, और वो हम ड्रॉ कैसे करते हैं, जिस एलिमेंट के लिए बनाना है माइनर उसका जो है हम रो और कॉलम को हटा के हम उसका माइनर बता देते हैं, ठीक। अच्छा, फिर देखिए सेकेंड ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट है उसका एक्सपेंशन यहाँ पर मुझे आपको बताना पड़ेगा, और मैंने सोचा था कि एक्सपेंशन पे बेसिकली आपको अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा ही इसको, लेकिन यहाँ पे चलिए मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ कैसे हम सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो आप पहले तो एक चीज़ ये समझ गए होंगे कि अगर थर्ड ऑर्डर के कोई भी डिटरमिनेंट लें और उसे किसी एलिमेंट का हम माइनर बनाएं तो उसका माइनर आएगा एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, ठीक है। फिर अगर हम कोई फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेते हैं और उसके किसी थर्ड ऑर्डर के एलिमेंट का उसके किसी एलिमेंट का अगर हम माइनर बनाते हैं तो वो एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आता, ठीक। तो हमेशा ये ध्यान दें माइनर का ऑर्डर एक कम होगा दी ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक। तो आप ये समझ गए कि ऑर्डर ऑफ माइनर इज इक्वल टू ऑर्डर
ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट माइनस वन, ठीक, डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम होगा हमेशा माइनर का डिटर्मिनेंट, माइनर का ऑर्डर, ठीक है। अच्छा अभी क्या आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 6 into 2 यानी कि 12 माइनस, फिर माइनस साइन लगाएंगे, 9 into 1 9 कि 3, ठीक। अच्छा एक और लेता हूं मैं आपके साथ, लेट्स से कि 2 minus 3 1 और 0, ठीक। तो देखिए पहले 2 into 0 ये आपने पॉजिटिव रखा, 2 into 0 माइनस साइन लगाया, फिर ये 1 into -3 आप ऐसे रखेंगे, ये माइनस साइन आएगा, दिस इंटू दिस माइनस साइन, फिर दिस इंटू दिस, ठीक। तो ये जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो पॉजिटिव रखते हैं, जब बॉटम टू अप जाते हैं तो नेगेटिव रखते हैं। तो इट विल बी 2 into 0 यानी कि 0 माइनस यहाँ पे -3 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 3, ठीक। तो माइनर कैलकुलेट करना आप समझ गए होंगे, या माइनर कैलकुलेट करना नहीं, आपने सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन सीख लिया होगा। जब भी हम किसी डिटरमिनेंट के वैल्यू को निकालते हैं बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आपने सेकेंड ऑर्डर के जो जो डिटरमिनेंट है उनका एक्सपेंशन आपने सीख लिया, आप उसे कैसे करेंगे, आप उसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, पहले टॉप से बॉटम माइनस साइन, फिर बॉटम टू टॉप, ठीक, क्लियर है, अच्छा समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये चीज आप समझ गए माइनर के बारे में, आपको माइनर कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा मैं आपके लिए एक और माइनर को डिस्कस करता हूँ, लेट्स से मुझे निकालना होता है माइनर ऑफ 3 2 का माइनर मुझे निकालना हो, तो 3 2 यानी कि ये वाला एलिमेंट, अब 3 समझ गए ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2, आपको एड्रेस उसका रीड करना आ रहा होगा, हाँ। तो ये और ये सॉरी ये और ये आप हाइड करेंगे तो बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बच जाएगा बताइए -7 और 3 और फिर 1 और 9, राइट, ये आपके पास बचेगा ये, क्योंकि आपने ये हाइड कर लिया और ये हाइड कर लिया, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो उसके कॉलम और उसके रोज को आपने हाइड कर लिया। अच्छा तो अब देखिए क्या हो जाएगा, -7 into 9 यानी कि -63, देन वी पुट अ माइनस साइन हियर, देन 3 into 1 विच इज 3, तो वी हैव -66, राइट, आसान है। अच्छा तो माइनर निकालना बहुत ही सिंपल है थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का, सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का तो निकालेंगे तो वन ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा, वन ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो बस एक नंबर होता है और कुछ नहीं होता, ठीक। तो ये आपका माइनर हो गया, अच्छा 3 2 का, क्लियर है, मुझे उम्मीद है माइनर का कांसेप्ट आपके साथ क्लियर हो गया होगा। अच्छा फिर देखिए जब माइनर क्लियर हो गया तो आप इसको एकदम सॉल्व कर लेंगे और मैं आगे आ जाता हूँ आपके साथ, और मैंने डिटरमिनेंट को नहीं मिटाया है क्योंकि कोफैक्टर जब मैं आऊंगा जो अगला टर्म है हमारा उसको डिफाइन करने के लिए बेसिकली आपको एक रिप्रेजेंटेटिव डिटरमिनेंट की जरूरत भी पड़ेगी। तो यानी कि अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोफैक्टर। अच्छा तो देखिए कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है सी ऑफ आई जे, कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट, इट इज द पोलैरिटी ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब पी आई जे इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। अब आपको समझ में आया मैंने पोलैरिटी वर्ड को क्यों इन्वेंट किया था, हाँ, तो इसीलिए आप ध्यान देंगे कि अब आपके लिए समझना कितना आसान हो गया। कोफैक्टर आप निकालना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, मैंने पोलैरिटी को इन्वेंट ही इसलिए किया ताकि आपकी स्टडीज आसान हो जाए, ठीक, मैं मुझे कोई शौक नहीं लगा कि मैं जबरदस्ती आपको एक टर्म पढ़ाऊं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते थे बार बार कि कौन सा साइन लगाए, पॉजिटिव लगाए, नेगेटिव लगाए, क्या लगाए, तो मैंने एक टर्म इन्वेंट कर दिया पोलैरिटी नाम से, ठीक है, पोलैरिटी आप सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिए, माइनर सेपरेटली कैलकुलेट कर दीजिए, दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, काम हो गया, ठीक। अब जैसे कि आपको कोफैक्टर ऑफ लेट्स से 1 1 निकालना हो, पोलैरिटी ऑफ 1 1 देखिए, पहले 1 1 की पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी वाला डिटरमिनेंट अगर आप याद करेंगे, पोलैरिटी वाला चार्ट याद करेंगे तो वो आएगा पॉजिटिव, ठीक, तो यानी कि ये प्लस है, प्लस का मतलब क्या होगा, माइनस जो भी आएगा उसको साइन नहीं बदलना है, प्लस साइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन वैसा ही रहेगा, किसी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन रहेगा नेगेटिव, ठीक। अच्छा तो ये आपके पास ऐसे हो गया। अच्छा फिर माइनर आपको निकालना होता तो आप कैसे निकालते, देखिए 1 1 का माइनर आप निकालते 6 9 1 और 2 से, इससे। अच्छा तो यानी कि 6 2 12 -9 यानी कि 3 और +3 लेंगे आप, ठीक, बहुत ही सिंपल है। अच्छा मैं अगला देखता हूँ, जैसे कि मुझे कोफैक्टर ऑफ 2 3 2 निकालना होता तो वो देखिए मैं 3 2 की पोलैरिटी लिखता, 3 + 2 5 ऑड है, -1 की पावर ऑड तो यानी कि नेगेटिव, तो जिनके एड्रेस जिनका सम ऑफ एड्रेसेस क्या होता है नेगेटिव होगा तो फिर वो माइनस हो जाएंगे, तो इसकी पोलैरिटी नेगेटिव हो गई इस पॉइंट की, और फिर इसके जो आपका वो बनेगा डिटरमिनेंट वो देखिए क्या बनेगा, वो बनेगा -7 और 1 और फिर आपका बनेगा 3 और 9, ठीक है। तो यानी कि इट इज माइनस साइन होल इंटू -63 और -3,
-63 पहले यहाँ से आया, फिर माइनस साइन लगाया, फिर 3 लिखा आपने। अच्छा ये हो जाएगा माइनस माइनस 66, यानी कि इसका कोफैक्टर हो गया 66। तो आपने देखा था माइनर कितना था 32 का, -32 था -66, उसकी पोलैरिटी क्या थी नेगेटिव, कोफैक्टर क्या होगा दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि -1 × -66। अगर आपको माइनस और प्लस साइन में दिक्कत हो रही हो तो फिर आप इसकी जगह -1 और +1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि -5 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 66। ठीक, तो बेसिकली यही है हमारा आज का डिटरमिनेंट का वीडियो, बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहां पे मैंने आपसे चार चीजों को डिस्कस किया। वो चार चीजें क्या क्या हैं समझते हैं। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, कुछ बेसिक से पहले आपको बताया रो कॉलम और एलिमेंट वो सब क्या होते हैं, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे। और मैंने जो मेन टर्म्स हैं उनमें से चार टर्म आपके साथ डिस्कस किए, एक एड्रेस या इंडेक्स, दूसरा पोलैरिटी, तीसरा माइनर, चौथा कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर हमारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टर्म्स हैं, ये आपको हर जगह हर बुक में हर थ्योरी में हर वेबसाइट पे मिलेंगे। लेकिन जो पोलैरिटी है और जो आपका एड्रेस है, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ, जो सिर्फ स्पेसिफिकली मेरे लिए है, तो आप उनको अवॉइड करिएगा किसी भी फॉर्मल उसमें। लेकिन आपके कंसेप्ट को बनाने के लिए वो दो टर्म बहुत ईजी हैं, चीज़ों को पढ़ाना आसान हो जाता है जब आप ऐसे कुछ टर्म्स को कॉइन कर देते हैं खुद ही। बस इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हम रैपअप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पर जानेंगे कि कैसे हम उनको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है, एक डिटरमिनेंट को, और उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद ही मैं आपके साथ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लाऊंगा और फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए, थैंक यू।